तो दोस्तों, ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी पोइट्री पढ़ने के लिए। एक ओपन माइक है, 4 साल के बाद मैं जा रहा हूँ। और ये मेरा जो पोइट्री वाला स्किल है, कम लोग जानते हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे हैं, पहले तो बहुत कम लोग जानते थे। तो मैं जा रहा हूँ उसमें, तो एक पोइट्री आपको सुना देता हूँ, आपको पता चलेगा कि मैं किस लेवल का लिखता हूँ। कुछ नया करके दिखा दूँ कि इस दुनिया में काम बहुत है, कुछ नया करके दिखा दूँ कि इस दुनिया में काम बहुत है। जमीन से उठ के फलक तक जाना है कि मकाम बहुत है। जमीन से उठ के फलक तक जाना है कि मकाम बहुत है। मुकम्मल शख्स वो जो दुनिया बदल दे, काम करके मरने वाले इंसान बहुत हैं। तो आपको मिलते हैं अपनी इस पोएट्री का व्लॉग में, देखते दिखाते वो चलते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने चीज़ें की, कैसे कैसे तैयारी की और वहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या किया। ये हौज खास में योर वॉइस करके एक पोइट्री का प्लेटफॉर्म है, वो होस्ट करती है, उन्होंने होस्ट किया है। तो हम लोग शाम के टाइम में जाएंगे। क्या कर रहे हो सर? अभी एक पोइट्री है जो मुझे बोलनी है इसमें, और उस पोइट्री का मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया के ऊपर में है, उसका शुरुआत का लाइन है हिंद अपनी माँ ही, और मैं माँ से अपनी बातें कह सकता हूँ। और उसके बाद में पूरा उसका, जितने भी पर्वत है, जितनी भी नदियां हैं, क्या क्या इंस्पिरेशन देती है, उनके ऊपर में पूरी की पूरी पोइट्री है। तो उसी को थोड़ा सा बेटर कर रहा हूँ। पहले लिखा हुआ पोइट्री यहाँ पे लिखी हुई है, बट उसमें कुछ और थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आज परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर में करेंगे, तो वो कर रहे हैं। तो वही मैं एक बार लिख के, क्योंकि ना जब तुम पेपर में लिखते हो तो तुम्हारा थॉट ज़्यादा खुल के आता है, रदर मोबाइल में जब लिखते हो तो। मोबाइल पहला वाला तो मोबाइल में मैंने लिखा था, टाइप किया था, अब यहाँ पे लिख के इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, कट छट होगा, वो चीज़ होगा, तो वो कर रहे हैं। होपफुली देखो अच्छा लगे लोगों को। राइट, चलो। किया है पढ़ाना, क्योंकि मेरे फादर जब मैं 10 साल का था तो मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने कहा था कि जिंदगी में अगर तुम्हें तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि तुम किसी को पढ़ा सको तो तुम उसको पढ़ाओ, क्योंकि जिंदगी भर और तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें दुआएं देंगे। और इसी मिशन पे मेरे अंदर पढ़ाने की काबिलियत चालू की, काफी सक्सेसफुल कैरियर रहा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में, और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो पहला जो मेरी पोइट्री है वो उनके ऊपर, मैं उनको डेडिकेट करके है, क्योंकि हमारे समाज में एक चीज है जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है, वो है कि जो ग्रेजुएशन है वो एक सर्टिफिकेट शादी का है। कि लोग, अगर हम बिहार से हैं तो बिहार में बोलते हैं कि भाई लड़की ग्रेजुएट ग्रेजुएट लड़की से शादी कर देंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो दैट, शादी के लिए आप एक सर्टिफिकेट बना के रखे हो, जबकि एक लड़की उससे कहीं कुछ ज्यादा कर सकती है। तो पहला जो पोइट्री है मैंने उन्हीं को डेडिकेट किया है, और कुछ इस तरह से। पहले मुझे फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। पेश है गुल जो लड़ी थी गुलदस्तों में, ना यूं ही पड़ी थी। पेश है गुल जो लड़ी थी गुलदस्तों में, वो यूं ही ना पड़ी थी। गुलजार खुद का बनाया, किस्मत बदलने की जो जिद है, गुलजार खुद का बनाया, किस्मत बदलने की जिद जो हर घड़ी थी। खुशबुए रफ्तार से बिखेरा गुलबन खुद को बनाया, लड़के जीतना हमसाया था। तड़प तड़प कर कई दिन गुजारे, तड़प तड़प के कई दिन गुजारे अच्छे वक्त की तलाश में, ना खोया उसने धीरज, ना खोया दामन प्यार। बड़ी रोई, कुचली गई, मसली गई, पर फिर भी डटी रही, क्योंकि हिम्मत ही सरमाया। देखो खुशियां फिर से आई, गुल में गुलशन, आंखों में हंसी और दिल में प्यार फिर से आया था, क्योंकि वो गुल जमाने से लड़ी थी गुलदस्तों में यूं ही ना।